तो हम लोग का जो टॉपिक है वो रोड सर्वे है। तो रोड में क्या बनता है, लाइन सिस्टम होता है, एक होता है टू लाइंस एंड सिंगल लाइन और एक फोर लाइन होता है। इसमें क्या होता है, सेंटर से लेफ्ट बनाएंगे, सेंटर से राइट बनाएंगे। जो याद रखेंगे, सेंटर से लेफ्ट होगा उसका जो चौड़ाई होगा, इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं विड्थ, क्या बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं ब्रिथ, क्या बोलते हैं आज के ज़माने में, क्या कहा जाता है, ब्रिथ, ब्रिथ माने चौड़ाई, ब्रिथ माने चौड़ाई। पहले के ज़माने में उसको विड्थ कहते थे हम लोग, वाइड नहीं होता, अंपायर बोलता वाइड, वाइड माने चौड़ा हो गया, कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो गया बॉल आपका। तो 3.65 सेंटर से लेफ्ट सेंटर से राइट होता है, ये इंडिया के अकॉर्डिंग या इंटरनेशनल में भी है, लेकिन गल्फ में खास करके 3.65 सऊदी अरब में यूज़ किया जाता है कि ना, है ना, 3.65 उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सर्विस रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्विस रोड। सर्विस रोड का माने जिसमें गाड़ी चलेगा, सर्विस रोड माने जिसमें व्हीकल चलेगा, और बाकी और भी रोड बनता है। और रोड जो डिज़ाइन होगा, बार बार ये चीज़ दिमाग में रखना है कि व्हीकल के हिसाब से, किसके हिसाब से, व्हीकल माने जो हेवी ट्रक होगा, डंपर होगा, उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और वो उसकी घूमने की रेडियस, उसकी उसका टेस्ट होता है। जब गाड़ी बनता है ना, तो वो कोई भी कंपनी टेस्ट करती है, तो वहाँ रोड बनाती है वो लोग, गाड़ी कितनी रोड इसमें घूम रहा है, तो उसी हिसाब से जब हाईवे बनेगा, पता चला कि टाटा कंपनी इस बार गाड़ी बना रही है 200 फीट का किनेगा, तो फिर हाईवे को चेंज किया जाएगा। तो हम लोग सुनते हैं ना भाई, हमेशा हमसे रोड बनता है, चेंज होता है, तो अब नए टेक्नोलॉजी, जब नई चीज़ आएगी तो हाईवे बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही सेंटर से लेफ्ट को ऑफसेट बोलते हैं, सेंटर को राइट को ऑफसेट कहते हैं, यानी ये ऑफसेट है हमारा, ये किनारे को एज कहते हैं, ठीक है। तो फोर लाइन रोड, सिक्स लाइन रोड का माने तीन व्हीकल जाएगा, तीन व्हीकल आएगा, उसको सिक्स लाइन बोलते हैं, तीन गाड़ी जाएगी, तीन आएगी, चार जाएगी, चार आएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट लाइन बोलते हैं, है ना। और उसमें हम लोग स्पीड लिमिट लगाएंगे, कुछ सेंसर लगेगा रोड पे, सेंसर जो आपकी गाड़ी के स्पीड लिमिट को सेंस करेगा, है ना। तो यहाँ पर ही इसको मिटाते हैं, जी हेलो अस्सलाम, हाँ बोलिए, आ जाइए 11 बजे तक, ठीक, हाँ ठीक, आ जाइए 11 बजे। तो यहाँ पर ही पहला कहानी हो गया कि रोड PCL राइट और ये लेफ्ट। रोड जो बनता है, रोड का शेप जनरली दो होता है, एक तो रेक्टेंगल होता है, क्या होता है, दूसरा रोड जो बनता है वो ट्रायंगल होता है, क्या होता है, एक रेक्टेंगल बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। रेक्टेंगल का माने ये होता है, रोड तो ऐसे सीधा जाएगा यहाँ से रांची तक, लंबा लंबा, यानी यहाँ से रांची कितना, 130 किलोमीटर, और रोड जो चौड़ा बनता जाएगा, है ना। तो गाड़ी जितने में चलेगी, तो अगर फोर लाइन है तो 2 × 3.5 में ये चौड़ाई होगी सर्विस लाइन का, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेज, कैरेज वे, कैरेज वे यानी जितने में गाड़ी चलती है, क्या होती है, कैरेज माने भार, कैरेज माने भार, लोड, है ना। तो लोड यानी रोड का लोड जो होता है, जितना में गाड़ी चलेगा वो लोड है उसका, रोड का, है ना, उसको कैरेज वे बोलते हैं। और उसके बाद एक होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ वे, क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे माने टोटल रोड की चौड़ाई, यानी कि एक ढाबा से दूसरे ढाबा तक, रोड के उस तरफ खेती से लेकर रोड के इस तरफ खेती तक, है ना, यानी पूरी कंप्लीट, जिसमें लोग भी चलते हो, गाड़ी भी चलता हो, गाड़ी रुकता भी हो, होटल भी हो, ढाबा भी हो, इसको बोलते हैं राइट ऑफ वे, क्या बोलते हैं,
जितना सरकारी रोड जमीन है रोड का, जितनी रोड की, ऐसे तो सरकारी जमीन ये भी है, चाहे आप इसको रजिस्ट्री करा लो, जो भी करा लो, सरकार को जिस दिन लेना होगा ले लेंगे। सारी रोड सरकार की है, सारी जमीन यहाँ सरकार की है क्या? अब गवर्नमेंट चाहता रोड को एकदम बड़ा करना है यहाँ पर, तो ये बिल्डिंग वाला को तो नोटिस देगा ना भाई कि चलो 2 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ देंगे, पैसा लो नहीं। अब बोलेगा नहीं लेंगे तो फिर क्या करेगा? हाँ फिर फ्री में ले लेगा, जेल आ रही है कैसा है ना, वो तो लेगी गवर्नमेंट का, तो लेगी सब कुछ गवर्नमेंट का, सारी चीज़ सरकार की है, हर चीज़ ठीक है कि नहीं? केवाईसी नहीं कराएंगे तो बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। ले बाबा बैंक हमने किया, खुलाया, सब कुछ किया, फिर बैंक बोला केवाईसी करने, मतलब ये हुआ कि सरकार की है क्या? है आपकी मर्जी नहीं है या कुछ भी? कल को 2 दिन बाद सिम बंद हो जाएगा। पहले जो बहुत पहले क्या था, हम लोग का टाइम में था कि कहा जाता था अनलिमिटेड फ्री, क्या बोलता था, लाइफ टाइम फ्री, एक बार रिचार्ज कराओ लाइफ टाइम। कहाँ गया लाइफ टाइम पता नहीं, 4 साल चलाए जियो आ गया, उसके बाद हर महीना महीना रिचार्ज क्या हो गया, 4 साल तक फ्री चला, फ्री नहीं था मैंने, एक रिचार्ज में 4 साल वैलिडिटी था, कहाँ गया वाला लाइफ टाइम, कहाँ लाइफ टाइम? रूल्स बदल गया, सरकार बदल दी, क्या कर दी, उसकी मर्जी है, समझ गए क्या? तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। पहले लोग अंग्रेज के गुलाम थे, सॉरी पहले मुगल के गुलाम थे, फिर अंग्रेज के गुलाम बने, अब नेता के गुलाम बन गए आप, राजनीतिक गुलाम। हम मानेंगे नहीं, हम गुलाम नहीं है, तो गुलाम नहीं है तो एक काम करो, एक बार अकाउंट खुला लो, टेंशन फ्री हो जाओ बैंक में। कहे जा रहे बार बार केवाईसी फेवाईसी करने, दिया हुआ तो डॉक्यूमेंट यार क्यों डिलीट कर दे रहा बार बार? हमने दिया ना अकाउंट खुलाने में, क्या क्या देते, आधार कार्ड पैन कार्ड सब तो दिए, फिर बोलता हर 6 महीना में एक बार लाने के लिए, कुछ ना कुछ मैसेज आ जाएगा अकाउंट ब्लॉक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? गुलाम है आप, तब ना कुछ नहीं कर पा रहे हो, वो कर रहा सब कुछ। आप 50,000 से ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, कोई कोई अकाउंट बैंक में ऐसे भी ड्रामा करता है, उतना पैसा नहीं निकाल सकते, एटीएम से निकालेंगे तो इतना पैसा लगेगा आपको, 500,000 ये वो क्या क्या, रूल्स पर रूल्स, इतना रूल्स है। इसीलिए हम लोग देखो, हम लोग भी गल्फ में रहे हैं, सऊदी में रहे हैं, लेकिन रूल्स ऐसा नहीं है, टेंशन फ्री है किसी चीज़ का। एक बार अकाउंट खुला लिया सऊदी अरब में, आपको 10 बार बुलाएगा नहीं कभी, इवन अगर इंडिया से हम एटीएम लेके जा रहे हैं आराम से वहाँ पैसा निकाल सकते हैं क्या? इतना रूल्स नहीं बदलता, वहाँ रूल्स बदलेगा तो पब्लिक जो है ना छोड़ेगी भी नहीं, वहाँ की पब्लिक यहाँ की पब्लिक जैसी थोड़ी ना है। आप यहाँ रोड पे प्रोटेस्ट करोगे तो गवर्नमेंट आपको अंदर करवा देगा, कर लेंगे सरकार के खिलाफ कुछ बात कर सकते हैं आप, कोई भी गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सऊदी में कर सकते हैं आप, दुबई में कर सकते हैं, अमेरिका में कर सकते हैं, कनाडा में कर सकते हैं। यहाँ पर रोड में आदमी गाड़ी उड़ी जला देता है तो आदमी, दो आदमी, दूसरा आदमी ही भड़क जाता है, प्रॉपर्टी बर्बाद कर रही है देश का। तो एक बार वीडियो फिल्म वुलिम देखते होंगे तो दुनिया में हर जगह ऐसे किया जाता है, क्या होता है ये रूल से प्रोटेस्ट करने का, देखे होंगे ना अमेरिका में अभी हुआ था तो कितने लोग क्या क्या जला दिए, ट्रेन वरेन सब जला दिए, यहाँ जला दिए तो आपस में लड़ाई हो जाता है, ये रूल से प्रोटेस्ट करने का। हिंसा हिंसा दो वर्ड है दुनिया में, है ना? अगर ऐसा होता तो फिर वो क्या नाम उसका, वो यूक्रेन और रसिया की लड़ाई नहीं होती। अगर वर्ल्ड वर्ल्ड में हिंसा नहीं होता, बम पे बम मार रहा है ना, वो अमेरिका हिरोशिमा में परमाणु बम नहीं गिराता क्या जी? खाली वर्ल्ड दुनिया में अगर गांधी जी वाला रहता रूल्स की लड़ाई नहीं करना है, तो दोनों चीज़ें ना। यहाँ पर ही आप, हम लोग अपने हक के लिए तो कोई इतना सारा टैक्स दे रहे हैं, इतना टैक्स दे रहे हैं कि कसम से। हम कल क्या ले रिलायंस बाज़ार में गए तो उसका बिल में नीचे लिखा हुआ 18% GST सब्जी में, किसमें? मोबाइल का रिचार्ज कराएं तो एक दिन 100 रुपया का, तो उसमें मेरे को मिला 86 रुपीज़, कितना मिला? 16 रुपया मेरा कहाँ गया? हम तो 100 रुपया दिए ना आपको, क्या दिए थे? 100 ही देते हैं ना भाई, ज़्यादा देते हैं, 100 दिए तो 100 दीजिए ना मेरे को,
36 का मतलब ये हो गया कि उसमें 84 में आधा पैसा कितना होगा, मतलब 14 रुपया ना, 14 रुपये का 7 रुपया सरकार के पास जा रहा होगा, 7 रुपया रिलायंस के पास, 7 रुपया इंटू 80 करोड़ के पास यहाँ मोबाइल है अभी हिंदुस्तान में, लगभग होगा 60 करोड़ आदमी पास तो होगा ही फ़ोन, 60 करोड़ आदमी अगर अभी रिचार्ज करेगा, 7 रुपया इंटू 60 करोड़, तो अभी भारत सरकार 100 करोड़ कमाली बैठे बैठे है ना, कितना फंड है गवर्नमेंट के पास क्या जी, किसका पैसा, हमका मेहनत का पैसा, आपका नहीं, आपका मेहनत का पैसा था, ये निगोशिएटर में खाना खाने गए, सैफरन में खाना खाने गए तो भाई मेनू में लिखा हुआ 200 रुपया चिकन, हाँ खा लिए तो बना के दे रहा है 12% टैक्स के साथ 350 रुपया है क्या, नमक में टैक्स लग गया, क्या लग गया, नमक तो हरामी नहीं करना चाहिए था, नमक हरामी उसने भी हो गया, नमक हरामी क्या जी, टैक्स लग गया, मैंने टैक्स क्या होता है, हराम किसी भी धर्म में टैक्स माने क्या होता है, सूद ब्याज, क्या होता है, सऊदी भी आजकल करने लगा है ड्रामा, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इतने टैक्स दे रहे हैं ना, कपड़े में मॉल में कुछ भी खरीद रहे हैं, खिलौना में 10 रुपये का बच्चा खिलौने में भी टैक्स है, क्या है, टैक्स जा कहाँ रहा है, तो सामान जो आ रहा है अमेरिका से चाइना से तो टैक्स भी तो चाइना ही जाएगा ना, कहाँ जाएगा, घड़ी चाइना का पहने हैं, रेडमी का मोबाइल चाइना का, ये चाइना का, जूता चाइना का, मोबाइल चाइना का, ये स्टैंड चाइना का, ये कीबोर्ड चाइना का, ये माउस चाइना का, आप ऊपर से नीचे तक अभी हिंदुस्तान में पूरा छान मारिए, जितनी चीज़ है 90% आप चाइना का यूज़ कर रहे हैं, किसका 90%, इधर भी मूर्ति भी चाइना से आता है आजकल, वो जो मूर्ति छोटा छोटा सस्ता बनता है ना वो चाइना, बच्चे लोग खिलौना 10 रुपये का चाइना वाला, क्या बोलते हैं, सस्ता आता ना, चाइना का सामान लो यार, चाइना का होली चाइना से बन के आ रहा, होली खेलने वाला होता है ना पिचकारी, चाइना से, नेट पे देख लीजिएगा या दुकान वाले से पूछ लीजिएगा, सवाई आ रहा चाइना से, लच्छा आ रहा चाइना से, तो मुस्लिम चाइना का कोल्ड ड्रिंक, चाइना का वो हर चीज़ चाइना का, थोड़ा घर में देख लीजिए छान मारिए, क्या जी, बेड पलंग चौकी बनवाए, अच्छी बात है, रेडीमेड लीजिए तब पता चलेगा, अब ये जैसे हम लोग यूट्यूब बना रहे हैं, एक लड़का यूट्यूब बना रहा है, बोला शुद्ध देसी यूज़ करो, अरे ये जो माइक है, ये जो माइक है, क्या जी, ये माइक कहाँ का है, चाइना का है, एक आदमी बोले शुद्ध देसी यूज़ करो, आज जूता पहनाओ नाइकी का, एडिडास का, क्या जी, रिबॉक का, वुडलाइन का, ये सब याद रखेंगे, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, है ना, वुडलाइन का जूता पहन रहे यार, वो बोल रहे हम वेजिटेरियन है, क्या है, वुडलाइन तो नॉन वेज है, चमड़े से बना है, किसे बना है, बेल्ट पहन रहे हैं, एक लड़का बोला हम वेजिटेरियन है, बोले अच्छा तो बेल्ट तो नॉन वेज है, क्या जी, क्या जी से बनता बेल्ट, लेदर से, किसी चीज़ का भी लेदर हो सकता है, लेकिन अगर ये मोटा लेदर है तो मोटे ही चीज़ से बना होगा, चाहे ऊँट से चाहे भैंस से, किसका है ना, या बैल से, उसकी चमड़े से बने होगी, बुरा मत मानिएगा बात को, तो ये नॉन वेज नहीं है, लेदर का जैकेट खरीदते हैं ठंडा में, ज़्यादा में बुरा मत मानिए, तो हम लोग हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, हर आदमी टैक्स भर रहा है, क्या भर रहा है, खाली एक टैक्स भरने को हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स, कौन सा, फिर इनकम टैक्स भी भरो, अगर 5 लाख से ज़्यादा इनकम हो रहा है या 10 लाख से मर जाएंगे, चलिए ये लिख लीजिए राइट ऑफ वे का माने रोड की पूरी चौड़ाई होती है, क्या होती है, फुल चौड़ाई को हम लोग राइट ऑफ वे कहते हैं, पूरा, अब इसी में रोड बनेगा, क्या बनेगा, इसी के बीच में सब कुछ होगा, यानी राइट ऑफ वे में एक तो मान लो इस तरह से हम बना लिए, ये रोड है हमारा, बाकी ये जो एरिया बच जा रहा है, बहुत सारा चीज़ बनता है, फुटपाथ बनेगा, गाड़ी का पार्किंग बनेगा, है ना, और ढाबा वाबा बना देंगे उसी में हम लोग,
तो इसका पूरी चौड़ाई जो होती है अपने अपने देश का अपने अपने हिसाब होता है, 60 मीटर से 100 मीटर, कितना? ये पूरा रोड है मेरा 100 मीटर तक, इसीलिए कब को ज़मीन खरीदना हो हाईवे में तो रोड से 100 मीटर अंदर लेंगे, क्या लेंगे, इवन 200 मीटर अंदर कर लेंगे, क्या ना? जैसे जैसे बदलेगा ज़माना वैसे वैसे रोड बढ़ता जाएगा। तो हमने सड़ा के ले लिया हाईवे से, बोला बहुत अच्छा ढाबा वाबा खोलेंगे चलाएंगे, पता चला एक साल के अंदर सरकार बोला रोड को 100 ने 200 मीटर अमरीका को दिखाना, उससे अच्छा रोड मेरा बनेगा। अब 200 मीटर में जो घर आया है, अब वो घर बोलेगा हम नहीं खाली करेंगे, बोला मत करो, कौन बोला तुमको खाली करना है, वो क्या करेगी सरकार ऊपर से फ्लाईओवर बना देगी, क्या दे देगी, नीचे घर आपका ऊपर से फ्लाईओवर बना देगी, गया आपका घर, किसी काम का नहीं रहेगा, ऑटो भी नहीं जाएगा सही से, करोड़ों का घर 1 लाख में बना देगा। तो इसीलिए कभी भी ज़मीन खरीदें तो हाईवे में ना खरीदें, हाईवे से अंदर, क्या? अब बहुत पैसे वाले हैं आप, आपको खरीदेंगे तो आप ले सकते हो भाई, भाई करोड़पति लोग हैं ना दुनिया में, अरबों पैसा है, तो उन लोगों का क्या लिया सरकार वो करेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग तो गरीब आदमी भाई बहुत मुश्किल से ज़मीन खरीदते हैं, तो हम लोग को अंदर लेना है, ठीक है ना। चलो यहाँ रोड की चौड़ाई कितनी होती है ये याद रखना, गाड़ी जितने पे चल रही, गाड़ी कितना पे चल रहा है, 7-7 मीटर 14 मीटर पे, लेकिन रोड चौड़ा होता है 60 से 50 मीटर, ठीक है। जैसे वो दुकान है ये दुकान है, उन लोगों को डर हमेशा रहेगा। अभी जैसे हम लोग यहाँ फ्लाईओवर बनने वाला है ना, पास हो गया, सब कुछ हो गया, काम भी शुरू होगा मानगो ब्रिज से। हाँ तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोड की चौड़ाई को राइट ऑफ वे। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर, क्या बोलते हैं, शोल्डर है रोड का भाई, शोल्डर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दो भार संभालेगा शोल्डर, है ना, तो वो रोड का शोल्डर बोलते हैं दोनों तरफ, यानी रोड की भार को संभाल के रखेगा, ठीक है। ये सब पढ़ाने में ना 2 महीना लग जाता है, ठीक ना, कॉलेज में, किसमें, जब बीटेक करेंगे ना, ये बीटेक का है, किसमें है, तो इतना पढ़ाने में, ये तो इतना नहीं पढ़ाएगा वो लोग हाईवे मैनेजमेंट में, ये इतना पढ़ाने में यहाँ तक 2 महीना कॉलेज लगा देगी, क्यों कि कॉलेज में हफ्ते में 1 दिन क्लास होता है, कितना होता है भाई, और भी तो सब्जेक्ट है ना, मेरा टोटल 9 सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग में, तो 9 सब्जेक्ट की 9 किताब है, कितना है, तो 9 दिन कहाँ मेरे पास है, 7 दिन है, 6 दिन है ना, तो 6 दिन, 1 दिन मान लो आज होगा आपको हाइड्रोलिक का पढ़ाई, कल होगा आपको सर्वेइंग का पढ़ाई, तीसरा दिन होगा एस्टिमेटिंग का पढ़ाई, फिर एडी का पढ़ाई होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का होगा, इसी तरह से हाईवे मैनेजमेंट का पढ़ाई होगा, 1 दिन 45 मिनट्स, कितना, एक लेक्चर 45 मिनट्स का होता है कॉलेज में, तो आप खुद हिसाब लो कि इतनी पढ़ने में, जो हम लोग यहाँ 3 महीना में पढ़ रहे हैं उतना पढ़ाई 4 साल का है, कितने का है, 4 साल लग जाता उतना पढ़ने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, आपका जो ग्रुप बन जाएगा, जो बड़ा बड़ा नोट्स है वो ग्रुप में भेजेंगे, जो पढ़ना है थ्योरी, इतना थ्योरी लिखाएंगे तो कहाँ से होगा, ठीक है, तो थ्योरी की किताब भेजेंगे आप लोगों को ग्रुप में, उसको उतार लेना है रूम पे, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकली चीज़ लिखा रहे हैं, थ्योरी नहीं है ना। तो दूसरी बात, रोड जो बनता है, मैंने कहा था रेक्टेंगल और ट्रायंगल बनता है ना, तो रोड इस तरह से बनता है, तो ये क्या हमारा रेक्टेंगल है, क्या है, और ये क्या है, ट्राइंगल है, तो हम लोग को ऊपर का ट्राइंगल दिखता है रोड का, क्या दिखता है ना, रोड ऐसे दिखता है क्या, लेकिन नीचे नहीं दिखता, ये नीचे रहता है।
इसको हम लोग कहते हैं स्लोप वन, इसको बोलते हैं स्लोप टू। दो स्लोप बन रहा है, कितना बन रहा है? स्लोप वन क्या होता है? तिरछा। स्लोप माने तिरछा, है ना? यानी दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, कितना ट्राइंगल। तो इसको कहा जाता है रियल में कैम्बर। क्या कहा जाता है इसको? बोलते हैं रोड कैम्बर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैम्बर। कैम्बर माने दो स्लोप, कैम्बर माने डबल स्लोप। सिंगल स्लोप रहेगा तो कैम्बर नहीं कहलाएगा, उसको हम स्लोप ही कहेंगे। लेकिन यहाँ डबल, दोनों तरफ स्लोप बनेगा रोड। यानी ये सेंटर हो गया हमारा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, रोड ऐसे बनेगा। बहुत माइनर स्लोप होता है कि पता नहीं चलता कि स्लोप है। कितना होता है? तो कहा जाता है -1% to -3%, 1% स्लोप, 1.5%, कितना हुआ? 1% तो बराबर ही हो गया लगभग, थोड़ा सा, हल्का से थोड़ा, बस कि पानी निकल जाए। क्या निकल जाए? अगर बारिश हो रोड पे तो वो एक तरफ निकल जाए, जमे नहीं। रियल रोड का ड्राइंग यही है, रियल रोड का ड्राइंग यही है। अगर रोड सर्वे सीख गए तो सारा सर्वे कर लेंगे, बिल्डिंग, पाइपलाइन, हाईवे, ब्रिज, सब का एक जैसा होता है, सेम रोड का जैसा। किसका जैसा? सब एक ही जैसा बनता है, रोड के जैसा। सब में एक ही बात है, सेंटर लेफ्ट राइट, क्या है? -1.5% से -3% बनाना है, इतना ही बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? इतना ही है। तो वो गवर्नमेंट, जब हम लोग हाईवे बना रहे होंगे तो वहाँ आपको DPR मिलता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कितना परसेंट होना चाहिए एग्जैक्ट। यहाँ अनुमान लिखे कि 1 से 3%, तो एक कोई बनेगा, चाहे 1.5%, चाहे 2%, चाहे 2.5%, चाहे 3%, है ना? और ऐसे भी हम लोग जितनी भी सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसको हम लोग 5% से ज़्यादा स्लोप नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ 5% से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, क्या ना सिविल का एक रूल्स है ये कि 5% से ज़्यादा स्लोप किसी चीज़ का नहीं रखेंगे। अब इतना लंबा स्लोप बना के करेंगे क्या? इतना लंबा में गाड़ी भी नहीं चढ़ेगा, ठीक है? तो ये हम लोग का हो गया पहला, कि ये हो गया इस ड्राइंग को हम लोग जनरली कहते हैं, क्या कहते हैं? सेक्शन ड्राइंग है ये। क्या है ये? सेक्शन ड्राइंग है ये, एलिवेशन ड्राइंग। क्या ड्राइंग? और जो इससे पहले हम लोग ड्राइंग बना रहे थे वो प्लान था। क्या था? क्या था वो? प्लान था। तो यहाँ दो बार ड्राइंग में होता है, एक प्लान और एक सेक्शन होता है, और तीसरा क्या होता है? 3D होता है। क्या होता है? 3D डायमेंशन होता है ना? तो ये क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं इसको, ड्राइंग को, या सेक्शन ड्राइंग रोड में, तो क्रॉस सेक्शन सर्वे में कहते हैं। तो क्रॉस सेक्शन ड्राइंग देखेंगे उसका, और क्रॉस सेक्शन से पता चलेगा रोड का रियल चौड़ाई कितना है। तो यहाँ सेंटर से 3.5, ये मान लीजिए कुछ भी 1 मीटर, ये मान लो 1 मीटर, पता चल जाएगा। वन मीटर, 3 मीटर, है ना स्लोप। तो फिर से हम लोग एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लें। एक फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, स्लोप डिस्टेंस, SD, स्लोप डिस्टेंस। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्लोप डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इसको हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, ये स्लोप डिस्टेंस। तीन वर्ड सर्वे, तीनों पर कहानी है पूरा, सर्वे में और कुछ भी नहीं है। स्लोप डिस्टेंस
वर्टिकल डिस्टेंस, कोई भी सर्वे में यहीं आना है करते हुए, कुछ भी करेंगे यहीं पहुंचेंगे, ये कॉमन है सर्वे में। हम लोग बार बार रोड सर्वे, कैनल सर्वे, ब्रिज सर्वे बहुत टेंशन लेते हैं, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, कुछ नहीं है करना, यही है। प्रैक्टिकल जब करेंगे तो वही स्लोप निकालना है, स्लोप डिस्टेंस निकालना है, स्लोप परसेंटेज निकालना है, स्लोप रेशियो निकालना है, खेल वही है। चाहे पॉन्ड लीजिए चाहे जो भी करिए, करेंगे क्यों, क्या करेंगे तो बनेगा तो इसी से। तो स्लोप डिस्टेंस का फार्मूला होता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस वर्टिकल डिस्टेंस का स्क्वायर, पहला फार्मूला। दूसरा स्लोप परसेंटेज का फार्मूला VD1 माइनस VD2 बाई HD गुने 100, वर्टिकल 1 वर्टिकल 2 है ना। तीसरा फार्मूला स्लोप रेशियो का, किसका स्लोप रेशियो VD बाई HD। चौथा स्लोप, ओनली स्लोप, ओनली सिर्फ स्लोप, क्या स्लोप का भी फार्मूला VD बाई HD या VD1 माइनस VD2 बाई HD। ये चार फार्मूला याद रखेंगे, काम आगे हम लोग को रोड सर्वे इसी से होगा, रोड पाइपलाइन सारा सर्वे उसी से होगा, छत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सारा में यही खेल है। तो यहाँ पर ही देखो रोड जो हम लोग का ऊपर बन रहा है, जब भी ऊपर का काम होगा तो स्लोप बनेगा, कुछ परसेंटेज मिल जाएगा, उतना परसेंट मेंटेन उतना ही करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा। रेशियो में भी रोड बनेगा, 1/2 का रेशियो बनाएगा, क्या बोल दिया 1:2 का रेशियो, यानी अगर वो 10 मीटर है तो वो 40 मीटर बनेगा हॉरिजेंटल, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको रेशियो में। तो बहुत ज़्यादा दो वर्ड बहुत यूज़ है रोड सर्वे में, एक रेशियो और एक परसेंटेज। कौन सा स्लोप डिस्टेंस, ठीक है उतना यूज़ नहीं है स्लोप डिस्टेंस का, टोटल स्टेशन में यूज़ है किसमें है, लेकिन यहाँ हमारा स्लोप परसेंटेज और स्लोप रेशियो, क्या या स्लोप कटिंग फिलिंग, सिर्फ स्लोप क्या बोलते हैं, स्लोप का माने होता कटिंग फिलिंग सर्वे में, तो स्लोप का यूज भी बहुत है। हाँ क्या बोले, वो किस चीज़ का फॉर्मूला है बंद है क्या।